मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए इडली के नाश्ता। यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे तेल गरम करके रखी हूँ, उसमें थोड़ा सा प्याज के टुकड़े डाल रही हूँ। इसको डाल के मैं 1 मिनट तक मीडियम आंच पे पका रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाली हूँ। अभी इसमें मैं कैप्सिकम के टुकड़े डाल रही हूँ, इसको भी 30 सेकेंड तक इसी तरह से पका लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। टमाटो केचप डाल रही हूँ थोड़ा सा, और शेजवान सॉस डाल रही हूँ। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए, नहीं तो आपको रेसिपी समझ में नहीं आएगी। सोया सॉस डाल रही हूँ। इन सभी को थोड़ा हल्के हाथों से चलाते हुए पका लेंगे। 10 से 15 सेकेंड तक ही हमें इसको पका लेना है। यहाँ पे मैंने इडली के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, इसको डाल रही हूँ। इडली को डाल के हमें अच्छी तरह से इसको चलाते हुए पका लेना है 1 से 1.5 मिनट तक। देखिए 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको पका लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, मैंने इसको नहीं डाले थे। हमारे बचे हुए इडली के नाश्ता बिल्कुल तैयार है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।